आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। भारत भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट अंजनी कुमार मिश्रा दीनपुर शारदा विहार नजफगढ़ में कच्चा राशन बांटने का बड़े जोर तोर से काम चल रहा है। इनका कहना है कि जो भी फोन हमें किसी मजदूर का आता है या जिस तरीके से कैसे लोग परेशान हैं या लोगों की सेवा करने का हमें ये मौका मिला है और हम इस पर निर्भर हैं। हम किसी भी तरीके से किसी भी गरीब मजदूर को भूखा नहीं रहने देंगे, ये कहना है। आगे देखिए हमारे निगम पांडे की खास रिपोर्ट। वितरण किया जा रहा है आटा चावल दाल, इसके संस्थापक अंजनी कुमार मिश्रा जी ने, उनसे हम जानकारी करते हैं। सबसे बात रहे हैं किस चीज से, क्या नाम है जी? मैं अंजनी कुमार मिश्र, भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट जानका विहार बीनपुर नजफगढ़। कब से बांट रहे हैं जरा? लॉकडाउन जिस दिन शुरू हुआ उसके नेक्स्ट वर्ष से सारा राशन निकल रहा है। राशन का हर घर को, हर उस घर के लिए राशन, जहाँ पे दिक्कत है, हर उस बच्चे के लिए दूध, जो बच्चा छोटा है जिसके माँ बाप सक्षम नहीं है, हर उस परिवार को भोजन, जहाँ पे गैस नहीं है बनाने के लिए, उसको बनाओ। तो ये अब पूर्वांचल के लिए है कि अदर पूर्वांचल सबके लिए? इसमें पूर्वांचल पश्चिमांचल कोई सीमा नहीं है, सारे जितने भी हम भारतीय हैं उनके लिए। भारतीय भारतीय मतलब ना वो पूर्वांचल की है ना पश्चिमांचल की है, कहीं का हो जो भूखा है वो किसी अंचल का नहीं, वो भारतीय है उसके लिए। अच्छा, तो ये लॉकडाउन फिर जैसे बढ़ने का है तो फिर बढ़ेगा, फिर जब तक जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक दुनिया परेशान रहेगी, तब तक ठीक है। इनका कहना है कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक दुनिया परेशान अभी तक कितने लोगों को आप लोगों ने लोगों को हमने अभी तक 5-5 किलो आटा दाल तेल चीज़ प्रोवाइड करवाई है। उसके बाद जो खाना आ रहा है रेगुलर सब्जी सुबह शाम, तो खाना सुबह शाम दोनों टाइम होगा कहीं पर, तो कहीं एक पर्टिकुलर या फिर खाना भी ऐसी जगह जगह जाके आप अलग अलग जगह है आप ए टी एम से भी हमारे साथ पूरी होने वाले दिन से चला रहे हैं। एक समय का भोजन वहाँ पर देते हैं अपने घर में बना, और एक समय का हमें किसी मिल जाता है। और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे हर जगह हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो कुछ भी बताए थे, यानी कि अगर कोई फोन या मैसेज या जैसे भी आपको पता चलता है लोग वहाँ पहुँचते हो, वो सेवा, हाँ हम ना पहुँचे तो हमारे बहुत सारे साथी हैं वो पहुँचेंगे और वहाँ पर उनको राशन देंगे। उनको हमें बताएं कोई नीड फुल हो तो हमें बता दिए ताकि उनको सामान पहुँचा सके। सोशल मीडिया के द्वारा? सोशल मीडिया भी है जी सर। सर जैसे पता चला कि आप प्रधान है, पहले सबसे पहले मैं पूछूंगा कौन सी कॉलोनी को, कौन सी जगह पे आप प्रधान हैं? मेरा नाम जी। सर जैसे मैं देखा है यहाँ पे जो भारत भारतीय ट्रस्ट है उसके द्वारा जो यहाँ पे लोगों की सेवा की जा रही और आप भी उसमें शामिल है, तो कैसे आप लोगों को पता चल पाता है किनको जरूरत है किनको नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सेवा भी कर रहे हैं, मैं कहूँगा दिल्ली सरकार भी कर रही और केंद्र सरकार भी कर रही, उसके बाद वो भी जैसा पता चलता है जिन लोगों को जरूरत है वहाँ तक कई बार नहीं पहुँचता, ऐसे लोगों को आप कैसे ढूंढ के निकालते हैं? हमारे ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ से, कोई फ्रेंड बताया दिल्ली, पूरे दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे दिल्ली में जहाँ जैसे सुविधा होगी, चाहे वो पेटीएम से मदद हो रही है, राशन से मदद हो रही है, मेडिसिन से मदद हो रही है, सूखा अन्न से और बना हुआ भोजन से, कोई भी आदमी हमारे समाज में हमारे नज़र में कोई ना भूखा है ना ऐसा कोई ना बचा हुआ है जिसके पास। कितने लोगों को रोज आप भोजन करवा? भोजन तो लगभग बिल्कुल 150 से 200 लोगों को भोजन बना सुबह शाम जाता है हमारे यहाँ। तो जैसे आपने बताया कि कच्चा राशन भी आप लोगों को दे रहे हो, उसमें क्या क्या आप दे रहे हैं? कच्चा राशन में 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, 1 किलो दाल और आधा लीटर सरसों का तेल हर परिवार को हम दे रहे हैं राशन के नाम। तो ये भी रोजाना बांटते? रोजाना। कितने लोगों को देते हैं? देखो अभी तक जो ऑन पेपर प्रूफ के साथ में जो है वो 1200 कुछ परिवार अभी तक जा चुका है। अच्छा सर, जैसे ये आप सेवा भाव कर रहे हैं ट्रस्ट के द्वारा और
जैसे और लोग भी काफी लगे हुए हैं, जैसे हम बात करें दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की, उनके द्वारा भी लोगों को राशन दिया जा रहा है। तो अब जैसे जाते हो डोर टू डोर भी आप शायद जाके लोगों को देते हैं, तो क्या पता चल रहा है लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से पहुंच रहा है या आप लोगों को उनको देना? गवर्नमेंट अपने लेवल पे मदद कर रही है, लेकिन जो सबसे नीडफुल पर्सन है उनके पास मेरे विचार से तो गवर्नमेंट नहीं पहुंच रहा है। कोई भी हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ के हैं, चाहे हमारे विधायक महोदय हों, चाहे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हैं, उनका कहीं डायरेक्ट अता पता हमारे इलाके में नहीं है।